स्केलेटन ने क्रिकेट क्यों नहीं खेला? क्योंकि उसका दिल उसमें नहीं था। चलिए इस क्यूपिसोड को हम इस सिचुएशन के साथ शुरू करते हैं। एक व्यक्ति को कोल्ड स्वेट का अनुभव हो रहा है, उसे अपने सीने में या हाथों में बहुत ज्यादा दर्द का अनुभव भी हो रहा है, जो उसके गर्दन और जबड़े तक फैल रहा है। यहां दिए गए लक्षणों के साथ क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह व्यक्ति किससे पीड़ित है? लाजमी है उसे कार्डियक अरेस्ट हुआ है या उसे हार्ट अटैक आया है। क्या कोई फर्क पड़ता है? दोनों का एक ही मतलब होता है कि नहीं? खैर चलिए पता करते हैं। कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक को अक्सर एक ही समझा जाता है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों दो अलग अलग कंडीशंस होती हैं। जी हां, आपने सही सुना, इनमें अंतर होता है। चलिए हम इस क्यूपिसोड में इस अंतर का पता लगाते हैं। हमें पहले से पता है कि हमारे दिल की मांसपेशियों को उनके पोषण और सही से काम करने के लिए ऑक्सीजन युक्त खून की लगातार जरूरत होती है, और ये काम कॉरोनरी आर्टरीज द्वारा बहुत खूब किया जाता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब आपके कॉरोनरी आर्टरी में बीमारी होती है। ये एक ऐसी कंडीशन है जहां आर्टरीज सिकुड़ जाती हैं और खून उतने प्रवाह से बह नहीं पाता जितना उसे बहना चाहिए। और इसकी वजह क्या हो सकती है? खैर, इसकी एक वजह आर्टरीज के सख्त या जाम होने से हो सकती है। इसकी प्रमुख वजह हो सकती है आर्टरीज के अंदर की दीवारों पर कोलेस्ट्रॉल और फैट का जमा होना। ये आर्टरी को बंद करके दिल में खून के प्रवाह को कम करते हैं। जाम होने के कारण खून की सप्लाई कम हो जाती है। पर्याप्त खून की सप्लाई के बिना दिल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और इस कारण जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी जिसकी जरूरत इसे अच्छे से काम करने के लिए होती है। और जिस हिस्से को ऑक्सीजन युक्त खून नहीं मिलता है वो मरना शुरू हो जाता है। इससे चेस्ट में दर्द हो सकता है, जो हार्ट अटैक आने के लक्षणों में से एक है। लक्षणों को पहचान कर और इलाज करवाने से व्यक्ति की जिंदगी बचाई जा सकती है, अगर नहीं तो ये खतरनाक भी हो सकता है। चलिए मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। अटैक के दौरान आमतौर पर दिल की धड़कन नहीं रुकती है। ये जानकारी हार्ट अटैक के बारे में थी। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हार्ट अटैक के दौरान आमतौर पर दिल का एक हिस्सा काम करना बंद कर देता है, लेकिन दिल धड़कना बंद नहीं करता है। तो क्या यह मुमकिन है कि दिल की धड़कन अचानक से रुक जाए? जी हाँ, ये मुमकिन है। मेडिकल टर्म में इस हालत को कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। चलिए हम इसके बारे में और ज्यादा समझते हैं। एक इंसान के दिल को नियमित इलेक्ट्रिक पल्स के साथ धड़कने के लिए ट्रिगर किया जाता है, लेकिन अगर ये इलेक्ट्रिक पल्स अनियमित हो जाते हैं तो इसकी वजह से दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है। मेडिकल टर्म में इस हालत को अरिथमिया कहते हैं। इसकी वजह से दिल को धड़कने में मुश्किल होती है। इस वजह से दिल बाकी जरूरी ऑर्गन्स जैसे ब्रेन, लंग्स एंड सो ऑन तक खून को पंप करने में असमर्थ होता है, और कुछ ही सेकंड्स में पेशेंट बेहोश हो जाता है और उसकी पल्स भी बंद हो जाती है। ऐसे में पेशेंट लगभग सांस लेना बंद कर देता है या फिर हांफने लगता है। अगर सही से इलाज ना किया जाए तो पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है। डरावना है ना? ये वास्तव में बहुत ज्यादा डरावना होता है, क्योंकि कभी कभी ये बिना किसी चेतावनी के अचानक हो जाता है, न कि हार्ट अटैक की तरह जो आमतौर पर लक्षण दिखाता है। कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक के बीच के अंतर को समझने से हम इस तरह की स्थिति में किसी की भी मदद कर सकते हैं। इस क्यूपिसोड में हमने आपको हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के बीच के फर्क को समझाने की कोशिश की है। हम हार्ट अटैक की वजह को जान चुके हैं। अब सवाल यह है कि कार्डियक अरेस्ट किस कारण से हो सकता है, यानी कि दिल अचानक से अनियमित रूप से धड़कना क्यों शुरू कर देता है। खैर, ये आपका क्यू बॉक्स है जांच करने के लिए। नीचे हमें कमेंट सेक्शन में अपने जांच किए गए परिणामों को बताएं।